एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने चैनल का नाम है दया मैथ्स एनालिसिस। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों का तहे दिल से सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इस समय आप लोग जो टेंथ की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मैथमेटिक्स को लेकर के, और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना प्रैक्टिस के बिना इसकी सफलता मिल नहीं सकती है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, और उन्हें इस बात का डर है कि वो आने वाले एग्जाम में कैसा और किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं उनके लिए जो है पर डे 5 क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे सपोज करो कि पहला क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें यहां पर आपको एक सीरीज दी गई है 2/3 के और 5k/8 दिया ये गया है कि ये तीन टर्म्स हैं। पहला टर्म a1 जो कि 2/3 है, दूसरा a2 जो है k है, और तीसरा टर्म a3 5k/8 है। तो पूछा इसमें ये जा रहा है कि k की कौन सी वैल्यू हम रखेंगे कि ये जो सीरीज जो होगी वो ap में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं मैं कि जैसे मान लो कि 1, 3 और 5, ये जो नंबर जो सीक्वेंस जो लिखा जा रहा है ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो होता क्या है कि जब इस तरीके से रिजल्ट A1, A2 और A3 इस तरीके से दिए जाए, तो A2 का जो रिजल्ट होगा वह A1 प्लस A3 डिवाइडिंग बाई 2 कर देंगे तो भी रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। चेक कर सकते हैं आप इसको। सपोज करो कि A1 पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 5 है, जब आप इसको 2 से डिवाइडिंग कर दोगे तो 6/2=3 मिल जाएगा। और आप देख लो बीच में यहाँ A2 का रिजल्ट क्या शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है। और यही कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हम लोग लगा लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो A2 का जो रिजल्ट है वह, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सीधे A2 की जगह वैल्यू रख रहा हूँ k, और k की जो वैल्यू होगी वो 2/3 प्लस 5k/8 और डिवाइडिंग बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि डिनोमेटर्स को आप इक्वल कर लो। अब डिनोमेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 3 और करके एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम क्या मिलेगा, 24। तो 24 को 3 से डिवाइड करो तो 8 मिलेगा, और 8 जाकर क्या हो जाएगा, 16। फिर यहाँ पे क्या करो, 24 को 8 से डिवाइड करो तो 3 मिलेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5k में कर लोगे तो 15k मिल जाएगा डिवाइडिंग बाई 2। अब डिवाइडेशन को जब तुम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो 1/2 मिल जाएगा। अब यहाँ रिजल्ट जो मिल रहा है उसको देख लो आप, k = 16 + 15। अब इसको जोड़ना मत, क्यों, क्योंकि 16 में कोई वेरिएबल k तो लगा नहीं है, यानी ये अनलाइक टर्म है, तो इनको आप जोड़ नहीं सकते हो। तो इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 से करोगे तो 16 + 15k आपको मिल जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 48 मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान को, यहाँ पे 48 डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे, चूंकि इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो जब कोई चीज डिवाइडेशन से कनेक्ट होती है तो रिप्लेस करने में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो चूंकि 48 डिवाइडेशन से कनेक्ट है, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 48k। मैं यहाँ पे बता देता हूं ना, तो अब यहाँ रिजल्ट क्या है, 16 + 15k। अब यहाँ पे 15k को तुम्हें ट्रांसफर करना होगा साइड में, क्योंकि इनको ऐड तो कर नहीं सकते हो। तो 48k - 15k = 16, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा 33k = 16, और k की वैल्यू जो होगी वो 16/33k बराबर आएगी। यानी इस k में अगर आप 16/33 की वैल्यू जब आप रख दोगे ना, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आज के पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि लगाने का क्या तरीका है इसका। अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सपोज करो दूसरा जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस तरीके से है कि अगर आपके पास कोई क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है इस तरीके का, और इस क्यूब की सभी साइडें दे दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हर जगह से, और इसी कोण से, सॉरी इसी क्यूब से जो है एक कोण निकाला गया है। ये जो क्यूब दिया गया है ये एक वुडन ब्लॉक का है, यानी लकड़ी का बना हुआ एक क्यूब है, और इस क्यूब से क्या कर रहे हैं आप, एक कोण को निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पे दिया गया है कि गिवन इंफॉर्मेशन में दे दिया गया है, पहली चीज हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, तो यहां पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब का जो हाइट है ना वही कोन का भी हाइट रहेगा, और जो रेडियस की जो वैल्यू दी गई है, रेडियस ऑफ कोन ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा ये जाएगा कि अगर आपने कोन ये निकाल लिया है तो कोन को निकाल लेने के बाद जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा क्यूब का वो क्या होगा, तो ये पता करना है रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये इंडिकेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना कि आपको फॉर्मूला पहले पता होना जरूरी है। सबसे पहले चीज पता कर लो कि इस क्यूब का वॉल्यूम है क्या, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अब ए क्यूब क्यों होता है, क्योंकि क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो जब क्यूब में एल भी वही है, बी भी वही है और एच भी वही है, तो मान लो कि सब ए है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और ए का जो रिजल्ट है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका जब क्यूब करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। और ये याद रखना कि जो वॉल्यूम का जो भी यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो प्लीज सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाइएगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे आपके। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि जो कोन आप निकाल रहे हो उस कोन का वॉल्यूम क्या है, और कोन के वॉल्यूम का भी फार्मूला पता होना जरूरी है। तो कोन का जब वॉल्यूम निकालोगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे तो फार्मूला था 1/3 πr² h होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 1/3 πcube = 22/7 होती है r की वैल्यू। अब चूंकि यहाँ r स्क्वायर इसलिए r का मल्टीप्लाई आप दो बार करिएगा, और r का वैल्यू देख लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इंडिकेट किया गया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 × 3 × h, और कोन की हाइट क्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रखिएगा और यूनिट लगाइएगा सेंटीमीटर क्यूब। जब सॉल्व करने जाओगे तो ये सेवन कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या पता करना है, आपको सिर्फ ये पता करना था कि रिमेनिंग वॉल्यूम क्या है क्यूब का, तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो क्यूब होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू पूरा वॉल्यूम क्या था, पूरा वॉल्यूम था 343 सेंटीमीटर क्यूब, और आपने जो कोन का वॉल्यूम निकाला है ना, तो निकाला है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आपको माइनस करना होगा। अगर ये माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 7, यहाँ पे भी 7 मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा 2, इसमें 277 सेंटीमीटर क्यूब जो है यह रिमेनिंग वॉल्यूम होगा क्यूब का, और कब मिलेगा जब ये कोन का वॉल्यूम हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अपने माध्यम से जो है ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो मैं ला रहा हूँ, मैं इसको आप केवल देखिए ही मत, इसको एक बार आप पुनः एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए और फॉर्मूले भी एकदम तैयार रखिए, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट पे पकड़ मजबूत हो जाए। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, मतलब इनस्क्राइब्ड है इस तरीके से। सपोज करो ये ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, और मान के चलो कि ये जो सर्कल के जो बाउंड्रीज ना है कुछ एल एम और एन पे टच कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है, यहां पे वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, और यहां पर रियल दिया गया 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज समझ आए कि क्या लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये ड्रॉ किया जा रहा है कि इस ट्रायंगल का पेरिमीटर क्या होगा। अब ट्रायंगल का पेरिमीटर आपको पता करना है, पेरिमीटर है क्या यहाँ पे, तो पेरिमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी साइडों को जोड़ना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को आपको ये ऐड करना होगा।
तो यहाँ पे एक चीज ये है कि कुछ साइडों का लेंथ क्लियर नहीं है, जैसे मान लो कि ये बीसी नहीं पता है, और अगर एम सी दिया गया तो एम का रियल नहीं पता है। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा उसको आप समझ लो। देखो होता क्या है कि अगर कोई सर्कल दिया गया है और सर्कल के किसी बाहर पॉइंट से, सपोज करो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ है और यहाँ कोई बाहर पॉइंट कोई एम है, तो बाहर पॉइंट से किसी सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जो कि आपको बताया भी गया होगा, क्लास में बताया गया होगा। और उन टेंजेंटों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सपोज करो कि ये एम टी है और ये एम क्यू टेंजेंट है, तो यहाँ पे एम टी का जो रिजल्ट होगा वो एम क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो होगा इस क्वेश्चन में लगाया जाएगा। अब यहां देखो क्या होगा, यहां पे क्या है कि ये बी पॉइंट है और इस सर्कल पे जो ये बी एन दिख रहा है ना, ये बी एन और ये जो है बी एल, ये जानते हो टेंजेंट है, तो जितना बी एल होगा उतना ही बी एन भी होगा, और बी एन भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। और यहां देखो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सी एम और जो सी एन जो दिख रहा है ये टेंजेंट है, तो जितना सी एम होगा उतना ही सी एन होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ जितना ए एल दिख रहा है वही क्या होगा, ए एम होगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आप बात करते हैं पैरामीटर निकालने के लिए, तो अब यहाँ देखो ए बी का रिजल्ट क्या आएगा, देख लो पहले 3 + 4 यानी मिलाकर के ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी का रिजल्ट क्या होगा, तो 4 + 6 ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ए सी की जो वैल्यू जो दे दी गई है, उस ए सी का रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसको निकाला गया और इसके निकालने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। अब इसको सबको ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 7, 10, 17, 9, 26 सेंटीमीटर, और ये 26 सेंटीमीटर जो है इस ट्रायंगल का पेरिमीटर है। तो अगर इस तरीके से कहीं क्वेश्चन अगर आ जाए 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आप इसको आसानी तरीके से लगा सकते हैं। और ये जान के रिजल्ट क्या है कि किसी भी सर्कल पे अगर बाहर पॉइंट से जब टेंजेंट जब लेते हैं तो उन टेंजेंटों की लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये था इस पार्ट टू के सीरीज का जो है तीसरा क्वेश्चन था। मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, चौथे की चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो चौथा क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो है ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन दिया गया जो कि प्रूविंग से रिलेटेड है, और इसके लिए प्लीज आप आइडेंटिटीज को पहले तैयार रखिए। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है 4θ और यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट दिया गया है 1 - sin 4θ दिया गया है, ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ दिया गया 2 tan²θ और इसको साबित करना है ये वैल्यू 1 के बराबर है। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो है मैं मेंशन कर दे रहा हूं। मैं देखो होता क्या है कि जब sec थीटा दिया जाएगा तो इसकी जगह पे हम 1/cos θ मेंशन कर सकते हैं। अब जहां tan θ है, tan θ के लिए 2 फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या पहला चीज या तो हम sin θ / cos θ लिख दें, और 1/cot θ लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले आप ये चूज करिए कि कौन से साइड को लेके चलना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सबसे पहले आप देखिएगा लेफ्ट साइड को लेके चलिएगा, क्योंकि राइट साइड का रिजल्ट 1 है, तो जिधर से चलने में आसानी हो वही चीज आपको चूज करनी चाहिए। अब से थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/cos θ, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, cos 4θ तो लिख ही सकते हो आप। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कुछ जगहों पे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे मान लो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²-b² क्या होता है, ये पता आपको होना जरूरी है। अब यहाँ देखो जो यहाँ पे लिखा गया है 1, इस 1 को हम सकते हैं 1² लिख सकते हैं, और जो साइन का पावर 4θ दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं sin²θ² और इसको हम क्लोज कर लेंगे। अब याद रखना कि इन दोनों के पावर का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और ये है क्या, -2 tan²θ। तो हम चूंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो राइट साइड लिख नहीं रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे जो cos 4θ जो दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos²θ * cos²θ लिख सकते हैं, और ये जो रिजल्ट दिख रहा है
यहाँ एक फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ मैं कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में ऐड कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये तरीका को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या करना, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना, माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज मैं बता भी दे रहा हूं मैं कि यहाँ पे मैं कन्वर्ट एक चीज जो है मैं चेंज कर दे रहा हूं मैं, और मैं लिख दे रहा हूँ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चूंकि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्यों लिखूंगा, उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप देख लो यहाँ जो डिनोमीटर है ये कॉस स्क्वायर के फॉर्म है, कॉस के फॉर्म में है यार, तो यहाँ पे भी क्या करिए कि कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। वन अपॉन कॉट का भी चांसेस था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ढालने का प्रयास करिए। अब यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थोड़ी जगह कम हो रही है इसीलिए मैं इसी को हटा दे रहा हूं मैं। अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे ये जो रिजल्ट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जगह पे ये वैल्यू हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो एक ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि चूंकि इनटू से कनेक्टेड है तो ब्रैकेट अगर खोलोगे भी ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे। अब यहाँ वन है और यहाँ वन का मल्टीप्लाई जब वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो रिजल्ट मिलेगा क्या, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को मैं इस साइड में लेके आपको दिखा दे रहा हूं मैं। अब यहां ध्यान रखना दोनों का डिनोमीटर बराबर है, तो जब दोनों का डिनोमीटर बराबर है तो न्यूमरेटर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो जब ऐड कर जाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुमको ये सोचना है, यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये लाइफ फैमिली का एक पार्ट है, इनको इनके बीच में आप सॉल्व कर सकते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा। अब देखो ये टू है और यहाँ कुछ नहीं है तो ये वन है ऑलरेडी, तो इसके लिए करना क्या होगा आपको कि अब देखो डिफरेंट कैटेगरी है तो डिफरेंट कैटेगरी तो सब्ट्रैक्शन होगा ही, तो ये टू में से वन निकालो तो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि साइन क्या रखा है, क्योंकि यहाँ वन है और ये टू है तो वन और टू में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली टू बड़ा होगा, तो जिसका जो डिजिट बड़ा होगा उसकी साइन रख देते हैं, तो यहाँ साइन इसका रख देंगे माइनस मिल जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से देख लो अभी जो है यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखी गई है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे और यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीजें कट जाएंगी तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, वन के बराबर। तो ये प्रूविंग थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मूव करते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ये आखिरी क्वेश्चन है क्या, अब इस आखिरी क्वेश्चन में चीज दे दी गई है कि एक ट्रायंगल की सभी साइडें दे दी गई हैं ए बी सी और उनका रिजल्ट दे दिया गया है 603, दूसरा दिया गया है इसमें ए सी 12 और यहाँ दे दिया गया है बी सी 6 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है कि इसमें एंगल बी का रिजल्ट क्या होगा। अब आप सोच रहे हो ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें दो एंगल्स तो दिया ही नहीं गया है तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें जो है इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आए ना तो बस आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जब भी दो साइडों का स्क्वायर सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर जब हो जाएगा तो समझ जाओ कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर ए बी का स्क्वायर कर दो और साथ में बी सी का स्क्वायर कर दो तो ये रिजल्ट जो है ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ए बी का वैल्यू कितना है 603,
ये मान लो कि सब सेंटीमीटर में दिया गया है, सब सेंटीमीटर में ये वैल्यू दे दी गई थी, तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, बीसी का भी स्क्वायर कर दो और यहां एसी का वैल्यू जो दिया गया 12 सेंटीमीटर यहां भी स्क्वायर कर लीजिए। तो यहां देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। कैसे ये जान जाओ, देखो होता क्या है ना कि जब अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट है तो जैसे ही इसका स्क्वायर कर दोगे तो इसका रूट हट जाएगा और रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ तुमको ए मिल जाएगा। तो यहां पे भी क्या है, अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर कर दोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पे 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब जोड़ने जाओगे तो 36 18 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां मिला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सॉल्व करने जाओगे तो इसका रिजल्ट भी जो इसी के बराबर हो जाएगा, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख रहे हो कि लेफ्ट साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस जो एंगल बी जो होगा ये एक राइट एंगल होगा, राइट एंगल। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो पार्ट टू के लेक्चर में जो 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ आई हैं, वीडियो पसंद भी आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और उन दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कर दीजिए जिनका मैथमेटिक्स वीक है। तो मैं पर डे इसी तरीके से, नहीं हो सकता कि अगर डिले भी होता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं मैं, लेकिन एक दो दिन के